हेलो एवरीवन, ए वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वुड लाइक टू वेलकम टू ऑल टू दिस आवर यूट्यूब चैनल। सो हेलो सर, मैंने आशा करती हूँ आपने समस्त भल थे। तो मुझे स्वागत जनाऊे आम यूट्यूब चैनल को। आपण मैंने जो भाव देखी पार्थे जे आम बर्तमान गोटे न्यू सीरीज आरंभ हो जाए। सीरीज्र नाँ हूँ कौन ना ओपीएससी पीजीटी रिविजन सीरीज। कौन ओपीएससी पीजीटी रिविजन सीरीज, ओके, जोटा कि आम माराथन विथ एम सी क्यू। आम ये कौन करवा ना एम सी क्यू डिस्कसन करवा, आसत गोटे कौन करवा ना कंटेंट को क्विकली रिभाइज करवा, जहाँ भी आम विगत तीन मस धरी आम पढ़ी आके। तो आम टार्गेट कौन बर्तमान एवं ओपीएससी, ओके, ओपीएससी पीजीटी, ठीक अच्छे। तो ताल आम कौ टपिक भी डिस्कसन करवा ना इंडियन पॉलिटी, ओके। आम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विषय में इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कसन करते, बर्तमान आम कौन करवा द इंडियन पॉलिटी विषय में डिस्कसन करवा, ओके। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडे डिस्कसन, ओके। तो स्टूडेंट जो भाव आप देख पारे जो आम गोटे सिलेबस इंडियन पॉलिटी जो आम कौन ओपीसी पीजीटी यहाँ हूँ सिलेबस जोटा कि आम सब पढ़ार अच्छे। कौन ना प्रीएम्बल हो, फंडामेंटल राइट हो, डीपीएससी है, फंडामेंटल ड्यूटी, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ओके, देन योर नेशनल एजुकेटिव लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जोटा कि आम समस्ते जानते, ओके, देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट, फेडरालिजम्स, ओके, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, पॉलिटिकल डायनामिक्स, ओके, लोकल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स इन ओडिशा। तो ये सब गुड़ा आम कौन करमको ए सिलेबस अनुजाई आम कवर करार अच्छे कहीं ना ओपीएससी पीजीटी, ओके। तो वी सुड डिस्कस दैट थिंग, बुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to provide the few of the theory, important theory. Then, according to our theory, we will try to revise the MCQ. तो आम कौन करवा प्रथम थीओरी देखा, थीओरी जाए देखा कौन MCQ देखा, बुझे। तो let's start. तो आपण मैंने जमी देखी पार्थे आम गोटे इंपोर्टां टपिक अच्छे कौन फेडरालिजम, जोटा कि आम सेन्टर एंड स्टेट रिलेसन आ ता रिलेटेड कमिट को डिस्कसन करवा पड़े। कौन ना इन आवर सिलेबस फेडरालिज्म, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन एंड वी नीड टू ऑल्सो डिस्कस द कमिटी। तो जी आम देखा फेडरालिज्म, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, तो बहुत क्वेश्चन एथुर आसे। तो प्रथम आम कौन करा दरकार, आम प्रथम डिस्कस करा दरकार तार थ्योरी कौन अच्छे, जमी आप देखी पार्थे ये आपण देखि पारथिए डिफरेंट कमिटी आउ रेकमेंडेशन हो गला। विभिन्न प्रकार कमिटी आम क्रिएट होता सेंटर एंड स्टेट रिलेशन को कौन गठन करने विभिन्न प्रकार रेकमेंडेशन। तो जी आम देखा प्रथम फास्ट एआरसी, एआरसी मैंने कौन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन, एआरसी मैंने कौन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन के 66 रे होता। रेकमेंडेशन कौन फर्स्ट टाइम रेकमेंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंटर स्टेट काउंसिल, ओके, इंटर स्टेट काउंसिल, देन चेयरपर्सन किए थे मोराजी देसाई थे फास्ट एआरसी रे। आम बर्तमान कौन कर फटाफट आम रिविजन करवा एम को टाइम नहीं पूरा डिटेल जीवाक है, बुझे, कारण आम सब गुड़ा डिस्कसन कर सारी गला तीन मस धरी भिडियो। तो बर्तमान आम रिभाइज करवा तापर आम क्वेश्चन को सल्व करवा। तो आपण मैंने भाव पार्थे जे आम कौन कर देन राजमनोहर कमिटी आसला, तामिलनाडु गवर्नमेंट कौन करते राजमनोहर कमिटी को गठन करते डीएम की, ओके, द्राविड़ मुनुत्रा काजागम तामिलनाडु गवर्नमेंट राजमनोहर कमिटी को गठन करते। मेजर रेकमेंडेशन कौन देते ना डिजोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमिशन, जो पिलाने सब जानते प्लानिंग कमिशन के 1950। तो से जो प्लानिंग कमिशन तुम 1950 से प्लानिंग कमिशन को डिजोल्यूशन करने किए रेकमेंडेशन करते राजमनोहर कमिटी। सो क्वेश्चन आसबरी जे राजमनोहर कमिटी ना किए रेकमेंडेशन करते प्लानिंग कमिशन को कौन करने डिजोल्यूशन करने तो राजमनोहर कमिशन। डिजोल्यूशन मैंने कौन ना भंग कहींपर कि आम कहींपर सीज करदे, ओके, तापर आर्टिकल 356, 357, 65 शुड बी एलिमिनेटेड एंड अबोल्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। जो भाव आप देखिपे आईपीएस, ओके, जमी देखिपे आप आईएएस,
ओके तो ये सब गुड़ा जो ऑल इंडिया सर्विस अच्छी से ऑल इंडिया सर्विस को कौन करने नाकच करने किए रेकमेंडेशन देते राजमनोहर कमिटी देते सेमती आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के ना 1970s होता ना 1970 दशक आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन होता तो आप गोटे क्वेश्चन आसव जे के कमिटा सेन्टर स्टेट रिलेसन को रिलेटेड किंवा के कमिटी सेन्टर स्टेट रिलेसन को रिलेटेड ना तो आपण मन रखार अच्छी ना आनंदपुर साहेब रिजोल्यूशन गोटे सेंटर स्टेट रिलेशन कमिटी किए आपको गठन करते अकाली दल गठन करते बुझी तापर वेस्ट बंगाल मेमोरांडम वेस्ट बंगाल मेमोरांडम के ना 1970 1970 मध्य दशक आमर होता आम 1975 कहींपर वेस्ट बंगाल मेमोरांडम को किए गठन करते ऑब्वियसली जो आम पढ़ु वेस्ट बंगाल कथा तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कौन करते एस्टाब्लीश करते किए ना से समय कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल रेकमेंडेशन कौन थी रिप्लेस द वार्ड यूनियन बाय फेडराल इन कन्स्टिट्यूशन से कौन रेकमेंडेशन देते जो आमको वार्ड यूनियन अच्छी से वार्ड यूनियन को रिप्लेस करवा क्यों वार्ड्रे ना फेडराल वार्ड्रे बुझे तापर सरकारिया कमिशन तो सरकारिया कमिशन हूँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कमिशन जो इम्पोर्टेंट कमिशन कथा कह सरकारिया कमिशन आसमती आम कह ईयर केयर रहता ना 1983 होता 1983 कौन होता आम सरकारिया कमिशन होता मेम्बर कैत जन थे तीन जन थे क्यों गवर्नमेंट द्वारा सरकारिया कमिशन गठन होता इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से पचारदे ना क्यों गवर्नमेंट कर तत्वावधान अंडर ह्विच गवर्नमेंट सरकारिया कमिशन व्वाज कन्स्टिट्यूट तो आमर आंसर कौन हम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिपोर्ट के 1988 कौन देते रिपोर्ट देते सरकारिया कमिशन से कौन रेकमेंडेशन करते ना इंटरस्टेट काउंसिल जी पे जी स्टूडेंट क्वेश्चन आसला जो अंडर ह्विच कमिटी रेकमेंडेशन इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टाब्लीश्ड यहाँ हूँ सरकारिया कमिशन बुझे देन बीपी सिंह गवर्नमेंट एस्टाब्लीश द इंटरस्टेट काउंसिल क्यों गवर्नमेंट इंटरस्टेट काउंसिल को एस्टाब्लीश करते बीपी सिंह गवर्नमेंट करते किए रेकमेंडेशन करते इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रेकमेंडेशन करते सरकारिया कमिशन जरिया पुणी देखा आम ये कौन देखा ना केम इंटरस्टेट काउंसिल प्रथम थर पर गठन होता यहाँ हूँ मे 1990 तो 1990 मे आमर कौन होता इंटरस्टेट काउंसिल होता बुझे तो यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट आपको समस्ते स्टार मारिदे कौन मारे स्टार मारिदे है पंची कमिशन आसी कमिशन के 2007 तो पंची मन रख एम एम पंची मध्य आमर कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी एम एम पंची थे आ पंची कमिशन के 2007 गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट का तत्वावधान रहता अंडर ह्विच गवर्नमेंट इट इज द मनमोहन सिंह ओके देन मेजर रेकमेंडेशन कौन गवर्नर शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट किए रेकमेंडेशन करते पंची कमिशन करते देन फिक्स्ड टेन्योर फॉर गवर्नर 5 years से मध्य रेकमेंडेशन करते कौन गवर्नर 5 वर्ष कौन दरकार 5 tenure दरकार फिक्स्ड ओके किंतु वर्तमान कौन हो गवर्नर कौन फिक्स्ड टेन्योर ना जब क्वेश्चन आसला अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्योर ऑफ द गवर्नर देन देर इज नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर द गवर्नर ओके तापर इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शुड एप्लीकेबल टू इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द गवर्नर एटा होची आपण मानकर पीआईक्यू जो SSD लेक्चर एग्जाम कंडक्ट होता लास्ट टाइम आम 2023 रे तो से एग्जाम पचारे किए रेकमेंडेशन करते इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर शुड एप्लीकेबल टू द प्रोसेस ऑफ सॉरी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड एप्लीकेबल टू द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर तामाने होची कौन ना जो प्रेसिडेंट कर इम्पीचमेंट बा बहिष्कृत पद्धति अच्छी से पद्धतिटा मध्य गवर्नर इम्पीचमेंट प्रति लागू होगा आवश्यक किए करते ना पंची कमिशन करते बुझे तो यह भाव आपण मानक मन रखार अच्छे तापर स्टूडेंट आउ गोटे आसला ना अदर कमिटी जमी आम कहीपर ये लाइक भेंकटचाला कमिशन भेंकटचाला कमिशन रे कौन ना नेशनल कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कार्यकाल को रिव्यू करने गोटे कमिशन जातीय लेवल गोटे कमिशन होता कौटा आम कौन भेंकटचाला कमिशन यहाँ हूँ नेशनल कमिशन किंतु स्टेट कमिशन आम देखिले जमी आम आप देखिपारे वेस्ट बंगाल है आनंदपुर साहिब है राजमनार है युवा सब स्टेट कमिशन गुड़ाक किंतु नेशनल लेवल रे नेशनल गवर्नमेंट ताको एस्टाब्लीश करते अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कौन भेंकटचाला कमिशन तो यह भाव में आपण मानक कौन है यहाँ ना
सेंटर स्टेट रिलेशन होगा। तो बर्तमान आम फटाफट देखा जी क्वेश्चन क्यों भाई आसूसी जहाँ सार पढ़ाऊँ क्वेश्चन आसूँ ना सार जहाँ पढ़ाऊँ ता क्वेश्चन आसूना बर्तमान आम धरिक क्वेश्चन प्राक्ट करवा पुणि थे कही रखुच्छे जो मैंने सब नुआ स्टूडेंट आम क्लास अच्छा जोड़ी आम मान सहित आपड़ भावुवे एत जल्दी कौन भाई सार पढ़ाऊँ यहाँ हूँ रिविजन क्लास आमर स्टूडेंट दिस इज आवर रिविजन क्लास द ऑल डिटेल थ्योरी हैज बीन कवर इन योर द लास्ट थ्री मंथ ओके सो गला तीन मस आम डिस्कसन कर सारे बर्तमान आम कौन रिभाइज करार अच्छे कारण एग्जाम आम हमारे ना आम एग्जाम अच्छी आरंभ हो नेक्स्ट मंथ में तो आमको मोटामोटी सब मस अच्छे तो आमको प्रिपेयर होबार अच्छे से भाई भाव में तो देखा आम क्वेश्चन कौन आस ना फटाफट जमी आप देखिपे गोटे क्वेश्चन आसा व्वेन वाज द इंटर स्टेट काउनसिल वाज सेट अफ इन इंडिया इंटर स्टेट काउनसिल केबे सेट अफ होता इंडिया रे ओके ऑप्शन ए एप्रिल 1990 मे 1990 जून 1990 जुलाई 1990 किए कह के आम इंटर स्टेट काउनसिल इन इंडिया क्यों मसीहार होता किए कह मे आर आंसर कौन आर आंसर हूँ कौन ऑप्शन बी मे 1990 कौन होता इंटर स्टेट काउनसिल सेटअप होता कौन होता रे इंटर स्टेट काउनसिल 1990 मे रे सेटअप होता ओके आगे बढ़िया तापर आर्टिकल 263 डील्स विथ व्हाट आर्टिकल 263 डील्स विथ व्हाट ऑप्शन ए रिवर वाटर डिस्प्यूट ऑप्शन बी इंटर स्टेट काउनसिल ऑप्शन सी जीएसटी काउनसिल ऑप्शन डी टैक्स इंपोजिशन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ केबे हेतिला आर्टिकल 263 डील्स विथ व्हाट को विषय आर्टिकल 263 रे कुआ जाय छे कौन हो चार आंसर आंसर कौन आरो आर आंसर हो कौन ऑप्शन बी इंटर स्टेट काउनसिल आर्टिकल 263 मुझे आपको कही नी कि मुझा कह बर्तमान ओके बुझे देन आर्टिकल 263 व्हिच प्रोवाइड इंटरस्टेट काउंसिल एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इवोल्यूशन ऑफ कॉमन पॉलिसी वाज फाउंडेड इन व्हिच इयर्स तो क्वेश्चन आउ थे ये पचारे बुले बालिकी जे आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउनसिल विषय में कहुई आउ इंटरस्टेट काउनसिल ए विषय में कही आटा गठन होता के क्वेश्चन को फ्रेम कर देखिपे ऑप्शन ए 52 बी 67 सी 77 ऑप्शन डी 1990 तो आंसर कौन आम ऑलरेडी देखी आंसर आर कौन आंसर हूँ ऑप्शन डी एभली भाव आप क्वेश्चन सेम कंटेंट रु आसो किंतु डिफरेंट वे पचारे जो भाव आप देखिपुट ए क्वेश्चन में गोटे अलग भाव में पचारा ए क्वेश्चन में गोटे अलग भाव में पचारदेगा आर्टिकल पचारदे कि इयर पचारदे कि पचार पारे कि आम जहाँ पढ़ुं से आसो कि क्वेश्चन टा डिफरेंट वे आसो तो आपण मानक कौन रखार अच्छे यटा को मन रखार अच्छे बुझे देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जस्टिस सरकारिया कमिशन वाज सेटअप बै हुज गवर्नमेंट टू एक्जामिन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन इंडिया सो जस्टिस सरकारिया कमिशन ओके सो जस्टिस सरकारिया कमिशन ऑप्शन ए चरण सिंह बी इंदिरा गांधी सी राजीव गांधी डी वीपी सिंह क्यों सरकार बा क्यों गवर्नमेंट कर अधीन आमर सरकारिया कमिशन गठन होता आंसर कौन हबार ना आंसर कौन हम आप ऑप्शन व्हाट ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कौन गवर्नमेंट का टाइम रे सरकारिया कमिशन केबे हेतिला 1983 रे हेतिला केत जण मेंबर थिले तीन जण मेंबर थिले 1983 रे हेतिला तापर आमे कौन देखी थिले सरकारिया कमिशन केबे रिपोर्ट देथिले 88 रे रिपोर्ट देथिले केबे रिपोर्ट देथिले 88 रे रिपोर्ट देथिले बुझियौ छी तापर नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल पई को आर्टिकल रा विषय कह जाय छी आर्टिकल कौन कौन आर्टिकल कौन हम आर्टिकल आंसर कौन हम 266 275 279 ए और 269 ए कौन हम आंसर आर ऑप्शन सी एटा गोटे मुझे क्वेश्चन कही नी दीटा क्वेश्चन होगा एक नंबर एटा है आउ कौन है आपर एटा गोटे क्वेश्चन है मुझे कही नी ए वीडियो रे तो बर्तमान मुझे कौन करी एलाबोरेट करदेवि कौन केमी सब आर्टिकल कौन केमी अच्छे जोनाल काउनसिल जी आम देखा आक्ट ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा होता ए जोनाल काउनसिल जो अच्छी आमर आक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रे होता चेयरपर्सन किए होम मिनिस्टर होती चेयरपर्सन ऑफ द जोनाल काउनसिल अच्छा केते जन मेंबर अच्छा टोटल 6 तुम्हें पचार सार जोनाल काउनसिल माने कौन आम कहीं जोनाल काउनसिल पढ़ा जोबाँग आम सेंट्रल स्टेट रिलेशन को पढ़ुं आम भारत हूँ कौन गोटे डाइवर्सिटी विविध कल्चर अच्छी तो सेमती आपण मानर
କ'ଣ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୋନାଲ୍ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ। କେତେଟା ଜୋନାଲ୍ ହେଇଛି ରେ? 6ଟା ଜୋନାଲ୍ ହେଇଛି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନାଲ୍ ହେଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନାଲ୍ ହେଲା, ହେଲା ବୁଝିହେଉଛି, ସାଉଥ୍ ଜୋନାଲ୍ ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୋନାଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଜୋନାଲ୍ରେ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହେଇଛି ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହେଇଛି। ଓକେ, କିଏ ସେଠି ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ହେଡ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆସାମ ହେଲା, ତ୍ରିପୁରା ହେଲା, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ଏସବୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ନା ଷ୍ଟାଚୁଆରୀ ବଡ଼ି, ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍ର ନା, ସେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯାହା ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କୁକି ହେଲା, ମୈତ୍ରୀ ହେଲା, ତ ଯାହା ବି ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଛି ବା ପରିଷଦ ହେଇଛି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କାଉନସିଲ୍। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, କେବେ ହେଇଥିଲା? 1971ରେ ହେଇଥିଲା। କେତେ ସେଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ଏଠି 6 ସିଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 6 ସିଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଯେ 6 ସିଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ 6 ସିଷ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ GST କାଉନସିଲ୍ ହେଲା, ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡ଼ି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ GST କାଉନସିଲ୍ ଇଜ୍ ହୁଇଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବଡ଼ି, ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍, ଷ୍ଟାଚୁଆରୀ, ନନ୍ ଷ୍ଟାଚୁଆରୀ। ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡ଼ି। କେବେ ହେଇଥିଲା GST କାଉନସିଲ୍? 279A ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ। କେବେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 279A ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? GST କାଉନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଥିଲେ GST କାଉନସିଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ 279A। ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ GST କାଉନସିଲ୍ର? ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି କିଏ ନା GST କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରପର୍ସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ କଥା ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ କିଏ ଆର୍ଟିକଲ 263 ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ହେଲା। ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କମିଶନ୍ କିଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ? ସରକାରିଆ କମିଶନ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଭିପି ସିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମେ 1990 ବା 1990। ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ର? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ଆଉ ସେଥିରେ 6 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ନୋମିନେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍, କେତେ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଲାଇକ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ? 3 ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇୟର୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? 3 ଥର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ବୈଠକ ହୁଏ। ଓକେ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏକ୍ସ ଅଫିସ୍କୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଆମେ SSB ଲେକ୍ଚରରେ ପଚାରିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେ ଲାଇକ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିମିଲାର ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ମେଡ୍ ଇନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହ୍ୱାଜ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହୁମ୍। ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତି ସିମିଲାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ସରକାରିଆ କମିଶନ୍, ଭେଙ୍କଟା ଚାଲିଆ କମିଶନ୍, ପଞ୍ଚି କମିଶନ୍ ଆଉ ରାଜମନୋହର କମିଟି। କିଏ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ? ନା ପଞ୍ଚି କମିଶନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପଞ୍ଚି କମିଶନ୍। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଏଠି ନା ଆଇଡେଣ୍ଟି ଦ କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଶନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଶନ୍ ଅଛି ତା'ର କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଠି ହେଲା ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ରାଜମନୋହର କମିଟି, ପଞ୍ଚି କମିଶନ୍, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍। ଓକେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ଏଠି? ତ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେବ? ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜମନୋହର କମିଟି, ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଚି କମିଶନ୍। ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଜମନୋହର କମିଟି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବ, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍, ତାପରେ ସରକାରିଆ କମିଶନ୍, ତାପରେ ପଞ୍ଚି କମିଶନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଲା? କରେକ୍ଟ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଥିଙ୍କର କ'ଣ ଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇକରି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଏ ଆସିବେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନା ହୁ ସେଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରାଲିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଇଟ୍ସ ପେକୁଲିଆର ନିଡ୍ସ, କିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଟୁ ମିଟ୍ ସେ ପେକୁଲିଆର ନିଡ୍ସ? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ଏଇଟା? ହୁ ସେଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଏ ନ୍ୟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେକୁଲାର ନିଡ୍ସ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବା? ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ୱିଚ୍ କହିଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କର ଗ୍ରାନାଭାଇଲ୍ ଅଷ୍ଟିନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଉପରେ, ଆଇଭର୍ ଜେନିକ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଉପରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଠି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ରିଭାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଫଟାଫଟ, ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଠି
के रोनाल्ड वाट्स ओके रोनाल्ड वाट्स गोटे थिंकर से कौन करते आसीमेट्रिकल फेडरालीजम विषय कहते कौन आसीमेट्रिकल फेडरालीजम विषय कही डिवाइड करते आसीमेट्रिकल फेडरालीजम को टू टाइप्स गोटे हूँ पॉलिटिकल फेडरालीजम आ गए हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरालीजम तो आपण मानते क्वेश्चन पड़ा आस रोनाल्ड वाट्स कौन करते डिवाइड करते आसीमेट्रिकल फेडरालीजम को टू टाइप गोटे हूँ पॉलिटिकल आ गए हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल सेमती केसी भाई हो गले से कहते इंडियन फेडरालीजम इज ए क्वासी फेडराल कौन कहते से इंडियन फेडरालीजम इज ए क्वासी फेडराल स्टेटमेंट गोटे स्टेटमेंट गोटे क्वेश्चन आसे जे इंडियन यूनियन इज ए यूनिटरी स्टेट विथ ए सब्सिडियरी फेडराल फ्यूचर किए कहते केसी भाई कहते बुझे तापर पॉल अपलबा हो गले ना एक्सट्रीम फेडरल सो किए कहते इंडियन फेडरालीजम इज एक्सट्रीम फेडरल पॉल अपलबा से कहते तापर मॉरिसन किए कहते ना बार्गेनिंग फेडरालीजम इंडियन फेडरालीजम हूँ बार्गेनिंग फेडरालीजम किए कहते मॉरिसन होते यहाँ गोटे कौन आसो मैच ऑफ द फॉलोइंग आसो तो आपण मैंने क्वेश्चन करते सर बार्गेनिंग फेडरालीजम मैंने कौन एक्सट्रीम फेडरालीजम मैंने कौन तो आर डिटेल आपण मूँ एक्सप्लेनेशन कौट मिल हमर इंडियान पॉलिटी जो सीरीज बा प्लेलिस्ट अच्छी यूट्यूब्रे से आप देखिए कारण आम ये फटाफट कौन करिजन करके ग्राना भाई लास्टिन कौन कहते ना इंडियान फेडरालीजम इज ए कोपरेटिव फेडरालीजम किए कहते इंडियान फेडरालीजम इज ए कोपरेटिव फेडरालीजम ग्राना भाई अस्टिन कहते से कहीं कहते ना इट न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट इंडिया स्पेकुलर नीड्स एंड इंडियान कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल रिवोल्यूशन ओके सो इंडियन फेडरेशन इज ए सोशल सोशल रिवोल्यूशन किए कहते ग्राना भाई अस्टिन ओके बुझे तो ये गोटे मो द्वारा गोटे भूल हो जाए पे भूल कौन जो इंडियान फेडरालीजम इज ए न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन टू मीट्स इज स्पेकुलर नीड्स एटा किए कहते ग्राना भाई अस्टिन बेले बेले मुझे कन्फ्यूजन हो जाए आपने देखिपे से रिविजन आमको दरकार मत भी रिविजन दरकार आप रिविजन दरकार तो बेले बेले क्रॉस चेक करें बुझे तापर आसा आम कौन आलेक्जेंडर विज कौन कहते इंडियन फेडरालीजम इज ए सुई जेनेसन किए कहते ना आलेक्जेंडर विज सुई जेनेसन ओके देन आइभर जेनिंग कौन कहते इंडियान फेडरालीजम हूँ कौन फेडरालीजम विथ स्ट्रंग स्ट्रंग सेन्टर सेन्ट्राल टेंडेन्सी फेडरालीजम विथ व्हाट स्ट्रंग सेन्ट्राल टेंडेन्सी किए कहते आइभर जेनिंग कहते तापर आम गोटे क्वेश्चन देखा ये ना एज ऑफ नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द थ्री लिस्ट यूनियन स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट इनकरेक्ट से कहते क्वेश्चन रे आपण मान जो तीन टा लिस्ट अच्छे जोटा कि आम सेंट्रल स्टेट रिलेशन कथा कहते हैं तीन टा लिस्ट अच्छे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट है तो से जो लिस्ट सिस्टम अच्छी केते सब्जेक्ट को लिस्ट अच्छे ताभर से ऑप्शन देखते आपको बाझार अच्छे इनकरेक्टा कौटा सो ऑप्शन है स्टेट लिस्ट कंसिस्ट 61 सब्जेक्ट ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट कंटेन 97 सब्जेक्ट ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन 52 सब्जेक्ट ऑप्शन डी ओरिजिनल कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट तो आपको बाझार अच्छे जे एटू कौटा इनकरेक्ट अच्छे आर आंसर कौन हम स्टूडेंट आर आंसर कौन हम ऑप्शन कौन हम आर आंसर ऑप्शन बी हम तार आंसर ओके तो यूनियन लिस्ट कंटेन 97 सब्जेक्ट नो वर्तमान यूनियन लिस्ट रे केते सब्जेक्ट अच्छे वर्तमान यूनियन लिस्ट रे स्टेट लिस्ट रे केते सब्जेक्ट अच्छे वर्तमान कॉन्करेंट लिस्ट रे केते सब्जेक्ट अच्छे आम वर्तमान देखा जिन देखिपे यूनियन लिस्ट रे वर्तमान केते अच्छे 100टा अच्छे किंतु ओरिजिनली केते थिला 97 थिला जेमती आम कह भारत जो स्वाधीन होला आमर केतेटा स्टेट आम प्रथम गठन कले 1956 आम के बर्तमान अच्छे सेमती ये कौन लागू हम फर्मूला ना यूनियन लिस्ट रे केतेटा ओरिजिनल लिस्ट थिला वर्तमान केतेटा अच्छे ओरिजिनल केतेटा थिला 97टा थिला वर्तमान केतेटा अच्छे 100टा अच्छे बुझे स्टेट लिस्ट रे वर्तमान केतेटा थिला ओरिजिनल केतेटा थिला 66टा थिला वर्तमान केतेटा अच्छे 61टा अच्छे नाउ केतेटा अच्छे 61टा अच्छे किंतु ओरिजिनल के 66टा थिला ओके जमती मुझे कहि जो जड़े गोटे बेबी बर्न हो तार ओरिजिनली केते किलोग्राम के जी था बर्तमान तार कौन स्टाटस अच्छे तो सेमती लिस्ट सिस्टम ओरिजिनल के बर्तमान के आमर कॉन्करेंस देखा 47 ओरिजिनली बर्तमान हूँ के 52 तो यह भाव आप गोटे क्वेश्चन पाइपर जे लिस्ट सिस्टम ओरिजिनल थिला केते वर्तमान अच्छे बुझे तो यहाँ गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट कनसेप्ट आमर होपर आप गोटे क्वेश्चन आसला इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौ आर्टिकल सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिगार्डिंग द लिस्ट सिस्टम डिस्क्राइब कर आर्टिकल 246 क्यों आर्टिकल ना आर्टिकल 246 बुझे देन आसला आमर डिफरेन्ट लिस्ट सिस्टम
एंड द डिफरेंट कंटेंट विद इन द डिफरेंट लिस्ट सिस्टम. फॉर एग्जांपल आम कह स्टेट लिस्ट रे कौन कौन सब कंटेंट आस पब्लिक ऑर्डर आउ पॉलिटिक्स. तो ये बहुत बार गोटे क्वेश्चन आसे जे पब्लिक ऑर्डर टा आमर कोठे आसे का कार्य आसे पंचायत आसे ना स्टेट लिस्ट रे आसे ना सेंट्रल लिस्ट रे आसे. तो मन रखार अच्छे स्टेट लिस्ट आसे बा स्टेट लेजिस्लेचर पावर रे आसे कौन पब्लिक ऑर्डर आउ पॉलिटिक्स जोटा कि लैंड रेवेन्यू कथा कह जाए. देन यूनियन लिस्ट आम देखा पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड सेनसस कथ यूनियन लिस्ट है. कनकरन लिस्ट है कौन मेरेज हो डाइवोर्स हो एजुकेशन फॉरेस्ट है यहाँ कनकरन लिस्ट हो. किंतु हाउएवर अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फाइव सब्जेक्ट वेर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट. किंतु 42nd जो आम 42वां संविधान संशोधन है पांचटा सब्जेक्ट कौन कला ट्रांसफर करागला स्टेट लिस्ट टू कौट की ना कॉन्करेंट लिस्ट को. जमी आम कहीपर एजुकेशन है फॉरेस्ट हो वेट एंड मेजर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस. तो ये जो पांचटा सब्जेक्ट आम कौन करागला कॉन्करेंट लिस्ट को ट्रांसफर करागला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा. क्यों संविधान संशोधन 42nd कि केतोटी सब्जेक्ट पांचटी है. तो एजुकेशन बर्तमान स्टाटस कौन एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट जहाँ भी आम हायर एजुकेशन कौन जहाँ भी एजुकेशन कथा कहते कनकरेंट लिस्ट रेटा आसुच्छे. तो यह भाव आम कौन देखिले आपण मान फटाफट देखिले फेडरालिज्म सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन आम क्वेश्चन देखिले कौन कौन क्वेश्चन आसुची आउ कौन कौन क्वेश्चन आसीपार सहित आम देखिले कौन विभिन्न प्रकार आमर काउनसिल देखिले विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैचुअरी बॉडी एडी गोटे क्वेश्चन आपण मानगला. तापर आम देखिले कौन कमिटी सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन कथा देखिले देखिले ना देखिले आम सब देखिले बुझे. तापर आम देखिले कौन ना आम देखिले ये कौन विभिन्न थिंकर कौन कही फेडरालिज्म उपर नहीं. हाँ तापर आम लिस्ट सिस्टम विषय देखिले को लिस्ट रे कौन आसुच्छे. हाँ एजुकेशन को लिस्ट रे बर्तमान आसुच्छे है. तो दिस इज योर ऑल अबाउट. तो सब भाव आम कौन कले डिस्कशन कले भल भाव. तो ये हूँ कौन आम गोटे इम्पोर्टाट लेक्चर आम कहीपर बुझे. तो यहाँ हूँ आपण मानक कौन इम्पोर्टाट सेमती आप गोटे कंटेंट एंट्री से पचार दे पारती कौन बर्तमान तो सी पचारि ना मैंने एस एस बी पीजीटी कि ओपीएससी पीजीटी हो किंतु मु भावी आम एटा पढ़ीदे बेटर हम कौन कोड कंटेंटा ए कंटेंटा आमर जोटा पे अच्छे इंटर गवर्नमेंटाल कोऑर्डिनेशन मेकानिज्म एंड बेसिक इनफर्मेसन जोटा कि आम कहीपर जो व्टर डिस्प्यूट अच्छे ओडार व्टर डिस्प्यूट आमर क्या सहित अच्छे आंध्रप्रदेश सहित अच्छी छत्तीसगढ़ सहित अच्छी. हाँ बुझे. तो ये जो डिस्प्यूट अच्छे आम विभिन्न राज्य मानों भितर जो वाटर डिस्प्यूट अच्छे से विषय में कौन ट्रिब्यूनल निगला समाधान केत दूर हो पार्टी कौन ना बर्तमान यहाँ करेन्ट एफेयर डोमिनेट करुच्छे. तो यहाँ आपण मैं इंडियन पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन टाइम यूजीसी नेट रे पचार जाइला और आशा करुच्छे यहाँ पचार दे पारती जदि वो यहाँ न पचारती आम कौन लोकसान ना कारण आम नॉलेज को गेन करिपर तो देखिए आम इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट रे फास्ट आपर आसा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट. गोदावरी वाटर डिस्प्यूट को स्टेट मध्य डिस्प्यूटा अच्छे आप देखिपर महाराष्ट्र हो गए. महाराष्ट्र आमर क्यों मोटे आसा महाराष्ट्र आम कहीपर आमर साउथ वेस्ट हो गला ओके आंध्र प्रदेश हो गला. हाँ साउथ इंडियन आसला कर्नाटक साउथ इंडिया मध्यप्रदेश आम सेंट्रल इंडिया कहींपर ओडा आम कहींपर कौन ओडा आम कहींपर कौन कहींपर आम ईस्टर्न आम कहींपर साउथ ईस्ट आम कहींपर बुझे. तो ये जो जो आमर केतटा स्टेट अच्छे 1, 2, 3 जो चार्टा स्टेट अच्छे ये स्टेट मध्य कौन डिस्प्यूट अच्छे गोदावरी वाटर डिस्प्यूट से पचारदे. गोदावरी वाटर डिस्प्यूट फाल अंडर ह्विच फॉलोइंग स्टेट्स और बिटवीन ह्विच फॉलोइंग स्टेट. तो मन रखार अच्छे आम कौन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्णाटक मध्यप्रदेश ओडिशा बुझे. तापर क्यों वर्ष होता है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट आउ ट्रिब्यूनल गोटे गठन होता कारण प्रत्येक वाटर डिस्प्यूट को समाधान करने गोटे ट्रिब्यूनल दरकार ओके जमी आमर क्रिमिनल मैटर हो सिविल मैटर हो जहाँ भी डिस्प्यूट होती सल्यूशन करने किए अच्छे आमर कोर्ट अच्छे जमी आम सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है डिफरेन्ट कोर्ट अच्छे. तो सेमती वाटर डिस्प्यूट हो कि स्टेट मान मध्य कौन डिस्प्यूट हो वाटर डिस्प्यूट तो से ट्रिब्यूनल अच्छे जमी गोदावरी वाटर डिस्प्यूट को सल्यूशन करने गोटे ट्रिब्यूनल अच्छे ना हो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जोटा के 69 होता ठीक अच्छे. तापर पुणे आसा आम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट. कृष्णा वाटर डिस्प्यूट किए कौन स्टेट आसपारे महाराष्ट्र आसे आंध्र प्रदेश आसे कर्णाटक आसे यहाँ हूँ कौन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हो गला कौन है आम महाराष्ट्र है. हाँ तापर आंध्र प्रदेश है कर्णाटक है दैट इज कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 1969 होता
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନର୍ମଦା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ନର୍ମଦା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆସିବ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୁଜୁରାଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓକେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ନର୍ମଦା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 69ରେ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ରବି ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍। ରବି ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଇଠି କ'ଣ, ପଞ୍ଜାବ ହେଲା, ହରିୟାଣା ହେଲା, ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା। ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ରବି ବେସ୍ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 86ରେ ହେଇଥିଲା, କେବେ 1986ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କାବେରୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯେତିକି ବା କାବେରୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଗଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେଲା, କେରଲା ହେଲା, ପୁଡୁଚେରୀ ହେଲା। କାବେରୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଆମର ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଲା, ପୁଡୁଚେରୀ, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାବେରୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍। ଆଉ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, 1990ରେ ହେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ, କାବେରୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, କାବେରୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍। ତାପରେ ବଂଶଧାର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କାହାର ନା, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି। ସେ ପଚାରିଦେବେ ବଂଶଧାର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଇଜ୍ ବିଟୁଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ୍, ଲେଖିଦେବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ'ଣ, ବଂଶଧାରା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 2010ରେ ହେଇଥିଲା। 2010ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର ବଂଶଧାରା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, 2010ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଦେଇ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଆର ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ମହାଦେଇ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କେବେ, 2010ରେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସନ୍ତି, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓକେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଆସନ୍ତି। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଖାସ କରି ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ପାଇଁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଯେ ଆମେ କହିବା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ କେଉଁ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାନଦୀ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଂଶଧାରା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଫର ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି, ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି, ବୁଝିହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 262, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କଥା କହିଛି, ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 263 କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 262, ଆର୍ଟିକଲ 263 କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ନା ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 263। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ପଚାରିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ, ନା ରିଭର ବୋର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟ 1950 ଅନୁଯାୟୀ କରି ଆମର ୱାଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତି, ଓକେ, ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଡ଼କ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଦ ଆଡ଼କ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଫର୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍। ଲେଖିଦେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଲେଖିଦେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବେ, ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଡ଼କ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ, ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ୍ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମେକାନିଜିମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସୁଛି ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ, ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ରେଭିନ୍ୟୁ ସେରିଂ ହଉ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଯେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇନି, କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ବିହାରକୁ ହିଁ ସବୁ ଦିଆଗଲା, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଇନି। ତ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ଆକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ବା GST ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ବା ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କଲେ, ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓପିଏସ୍ସି ପିଜିଟି ବା SSB ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫର୍ ବିଙ୍ଗ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଲେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।